90,000 भरवा दो रख लेते हैं लोग उन लोगों को। ये कौन सी बात हुई, एक बार वापस दूँ। अब या तो गाड़ी जाएगी या पानी जाएगा। यहाँ पर एक होटल है गोपाल मिडवे नाम का, वो भी पूरा डूब गया है। फिट कर दिया इसमें। और अब सो गाइस, अभी रात से हो रही है बारिश भयंकर कंटिन्यू, और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर घूम कर आया जाए, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी हो चुका है। और कैमरे में भी ये क्या लगा दिख रहा है, दो मिनट। अरे सर यार, सर सुनो सर। हाँ ये कर लो पहले। चलो यार बाहर बाहर चलो यार। सर सर मौसम अच्छा हो रहा है सर। अरे सर सर चलो यार, दाढ़ की छुट्टी दिला दे। मैं कह रहा हूँ 90,000 भरवा दे रख लेते लोगों में, मेरे को काम पे रखना। तो दे रहा हूँ ना काम, मेरे व्लॉग में दे रहा हूँ। चल तो सही, उठ तो काम पे रख। भाई काम पे जाना पड़ता है तभी काम मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। तो सोया पड़ा रहेगा, काम थोड़ी मिलेगा। काम दे दो मालिक, काम। हाँ तो मालिक तुमको काम दे रहे हैं ना हम, तुम चलो तो सही। अब तुम सोए पड़े रहोगे तो काम थोड़ी मिलेगा यार। ऐसा थोड़ी होता है सर यार, मतलब आप क्या उठे छुटे आगे, मतलब ये कौन सी बात हुई। तो ये मेरा दोस्त है, ये अभी फाइनेंस में काम कर रहा है, तो इसकी जुबान में सब वैसे ही वो फाइनेंस वाले वर्ड ही निकलते हैं। सर पैसा कब दोगे, सर लोन ले लो। अरे यार सर यार ऐसे क्या करते हैं। तो हमेशा की तरह एक प्रॉब्लम हो गई है, अपना ये जो जे अमाउंट है ये टूट चुका है और अटैच नहीं हो रहा है, तो मोटो ब्लॉगिंग तो पॉसिबल नहीं है। क्या बोलूँ यार, मैं सोच रहा हूँ ये जरा जे अमाउंट लगभग 350-400 रुपये का आएगा। अधिकतर मैं कैमरे को ऐसे पकड़ रहा हूँ, बट हमें सोच रहा हूँ कि मैं कैमरे को ऐसे पकड़ूँ तो वो एंगल प्रॉपर आएगा। तो अभी अपन अपनी बाइक के पास जा रहे हैं, और भाई साहब लाइट तो है नहीं, बट गाड़ी से चालू कर लेते हैं। तो अभी तो अंधेरा दिख रहा होगा आप लोगों को, और इधर ये चालू, इसको न्यूट्रल कर लेता हूँ पहले। पानी काफ़ी गिरा है, आवाज़ तो बेहतरीन है गाड़ी की। एक बार वापस दूँ। तो गाड़ी को लगभग 21 दिन ही हुए हैं अभी तक, और मैंने गाड़ी को लगभग चला लिया है 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और गाड़ी की एक सर्विसिंग भी मैं करवा चुका हूँ। और सच में यार 125 सीसी की सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक नहीं मिलेगी आपको, वो भी बजट में। ठीक है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई साहब खतरनाक बारिश हो रही है और हम लोग हैं सरावत की सड़कों पर, एंड यू कैन सी माय बाइक। अरे कसम से यार, मतलब बहुत ही सेक्सी लग रही है ना, लेकिन अरे मान ले यार। तो अभी अपन सरावत के उन एरिया, बाइक अच्छी है, मेहनत करके लिए लोंडे ने, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। जहाँ पे पानी काफी भरा हुआ है, वो भरा रहे गाड़ी भरी है, तो उस एरिया में अपन जाने वाले हैं जहाँ पे पानी बहुत सारा है। मोटका भी चलेंगे इधर, बड़ूत भी चलेंगे, और सनावत शहर में भी देख लेंगे कितना पानी है। अभी सनावत में, मतलब मैं जब से छोटा था तब से अब देख रहा हूँ कि इतना पानी। हाँ मतलब ये भी छोटा था, बट मैं मेरे बता रहा हूँ ना यार, मेरा यहाँ तो बचपन गुजरा है, तो ऐसा ही कि मैं तब से अब देख रहा हूँ इतनी बारिश हो रही है। तो देखो इस चारों तरफ गलियाँ एकदम भरी भरी दिख रही है। भाई अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं उसके लेफ्ट में है स्विमिंग पूल बना हुआ, और राइट पे तुम घूम सकते हो रेगिस्तान क्यों, क्या बोलता पूल बना हुआ है, क्या बोलता गाड़ी निकालू, क्या बोलते हो गाइस, गाड़ी डाल दें यहाँ पे। अब या तो गाड़ी जाएगी या पानी जाएगा, कुछ तो जाएगा, तो काम करते गाड़ी ले जाते। साहब अभी फोन वगैरह हमारा बजा तो वो देखने के लिए हम लोग रुक गए, और सच में यार भयंकर पानी आ रहा है। ये सामने पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और इधर पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, वो पूरा पानी से भरा है। अब तो फिलहाल तो हम अभी मोटक्का के फोन चेक कर लेते हैं किस तरह। हाँ तो बाबा जी आप कुछ कहने वाले थे क्या? हम बहुत प्रोटेक्टिव बंदे हैं भाई, मोबाइल को थ्री लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे रखी है, पहले एक ये पन्नी, हाँ दूसरी पन्नी,
फिर इसको घुमाया, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। तो नंदू सबका बंधु ऐसा दिख रहा है। ये अब अपनी थैली और ठंड लग रही है यार, तो फटाफट चले अब। मैं जाऊंगा भैया मोटका तरफ। हाँ आपको छोड़ना है, बोलो ना। यही है गाइस जो मेरे को यहाँ भर बारिश में छोड़ के चले गया था, मदद करने का ज्यादा शौक है इसको, किसी को छोड़ के आ रहा है अभी अभी ये। भाई साहब अभी एक कार का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया मेरे दोस्तों का ही है। तो मौसम की नज़ाकत को ध्यान रखते हुए हमने डिसाइड करा कि अब देवेन चलाएगा बाइक और अपन करेंगे जॉगिंग। जरा चुपेगा तो अभी ड्राइवर ही करेंगे देवेन भैया। अच्छा लग रहा है यार ड्रेसअप में आ गए। तो हाँ कर 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 या एक 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 पुशअप 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 जोर से क्या अबे बस रे आओ गुनी जी आओ अबे उड़े जाएगा वो अबे ये डाल दूंगा अबे चलने वाला मत डालना। ओ भाई अरे यार कसम से यार लेकिन मौसम थोड़ा खराब है। कार वार चलाओ बाइक चलाओ थोड़ा ध्यान से चलाओ। हालांकि अभी जो वो एक्सीडेंट हुआ मेरे दोस्तों की गलती नहीं थी, कोई बाइक वाला उसको दिख नहीं रहा था सामने, तो वो आया तो बचाने के चक्कर में उन्होंने कार अंदर घुसा दी, तो अब निकाल रहे हैं वो लोग बाहर। बाकी किसी को कुछ लगी हुआ तो बुरा लेकिन किसी को कुछ मारा। अरे अंदर देखने नहीं जा सकते क्या? अंदर देखने नहीं जा सकते? अरे चल रहे तू। तो फाइनली हमको परमिशन मिल गई भैया और अपन जा रहे हैं नर्मदा माता का रौद्र रूप देखने। आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत समय बाद में देख रहा हूँ यही, बहुत समय बाद। पिछले साल भी ऐसे बोला था कि देखेंगे देखेंगे, उसके पिछले साल भी बोला था कि देखेंगे देखेंगे, बट इस बार सच में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये शायद तीसरी बार हो जाएगा ना, तीसरा साल। हाँ तो तीसरे साल में आपको मैं दिखा ही दूंगा कि कैसा रूप आता है नर्मदा नदी का हमारे इधर। भाई साहब अभी भी इधर बंद कर दिया होगा, जान दे वहाँ तक जान दे। इधर कोने पर रोक देना अपना, आगे चलेंगे ना। देखो वो पानी दिख रहा होगा आप लोगों को, कैमरा भी अभी पानी लगा कैमरा, वो आगे दिख रहा है वो पानी ही पानी है। और अपने को ज़्यादा आगे जाने नहीं देंगे, इधर के कोने पर लगा लगा दे, यहाँ लगा दे। देवेन तू पहली बार देख रहा है? तो देखो पहली बार है। हाँ तो वो जूम नहीं होगा। यहाँ पर एक होटल है गोपाल मिडवे नाम का, वो भी पूरा डूब गया है। तो आप लोग देख सकते हैं पानी दिख रहा है। कुछ दिनों तक खरगोन वाला जो हमारा एरिया है उसको एकदम सूखा घोषित कर दिया था, और चार पांच दिन बाद भाई साहब देख लो बाड़े आ रही बाड़े है पानी। हाँ बोल बोल ना, इसको आवे ना बाढ़, ये लावे ना, देख लो आ गई बाढ़। बोल रहे तो नहीं आएगी नहीं आएगी, आ गया पानी। भाई पैदल कहाँ जा रहा है? गाड़ी कहाँ? ड्राइवर साहब आप तो आप भूल गए, जल्दी फोकस करो। तो चलते हैं अभी अपन एक्वाडक्ट की तरफ, वहाँ से प्रॉपर और दिखेगा। तो भाई साहब अब हम लोग जा रहे हैं एक्वाडक्ट की ओर, जहाँ से नदी प्रॉपर दिखती है। और ये रहा एक्वाडक्ट। हाँ ये तो जेड नदी देख लो गाइस, ये तो सारा ये सनाव का पानी निकल रहा है इधर से। अभी यहाँ एक और डक्की और वहाँ से प्रॉपर सीन दिखता है। और एक तो यार इतना पानी इतना गिर रहा है, गीले हो गए ना हम लोग कैमरे पे, सब पानी पानी हो गया है और हम भी पानी पानी हो गए। पानी 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 अंकल जी मुझे प्यास लगी है, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, पानी पीना है। ओ, पानी
रहे हैं हम एक और डक की ओर, और ये भैया ने गाड़ी फंसा दी है। इधर से ले लो पूरी, आ जाए डर। डरते कहाँ हो, डरना नहीं है तुम्हें। आप देख सकते हो कैसा है, और इधर ही रोक लिया मेरे को, डरना करा उससे ही। इधर हवा तेज चल रही है, पूरा देखो पूरा डूब गया है वो ब्रिज। सामने वो एक ब्रिज है वो पूरी तरह से डूब गया है। सो नाउ यू कैन सी, डरनाक है ना। इधर देखो पूरा पानी पानी, वहाँ पे एक ब्रिज रहता है वो पूरा डूब चुका है। कैसा लग रहा है देवेंद्र, वो तो फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दैट। हे इधर आता है यार पानी, तो इधर ओंकारेश्वर डैम है, ओंकारेश्वर का पानी मतलब पूरे गेट खोल दिए, तो इधर आया था उधर सारे व्यू निकल रहा है। हाँ बहुत टाइम बाद मिले, मिले तो बहुत मालूम भीड़ रहती थी ना, अभी तो नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस अभी हम लोग सनावत के मतलब इरीगेशन वाले एरिया में आ गए हैं। तो पहले तो ये पेड़ वेड़ कुछ भी नहीं गिरे हुए थे, जैसे कि अभी आउटडोर देख रहे हो, उधर अंदर भी बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं। तो हवा आंधी वाला मौसम हो रहा है, अपन शहर के अंदर ही रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ वैसे भी मौसम ख़राब है, कितनी मजाक मस्ती करनी थी, देखना था चीज़ों को देख लिया, फटाफट हम चलते हैं शहर की ओर, है ना। अब शहर में जाते हैं, शहर में घूम लेंगे, अगर कुछ मिला तो ठीक है। तो देवियो सज्जनों, रिपोर्टर एज इज लाइव हियर फ्रॉम सनावत की गलियां, और यहां पर काफ़ी पानी आ रहा है, लोग बाग यहां पे दिख नहीं रहे हम लोगों को। तो हम पानी पानी भरा हुआ, और देवेंद्र आप कैसा फील कर रहे हैं पहले तो ये बताओ। पानी 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 अंकल जी पानी। तो भाई लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ या ना हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी धुल गई है, पूरी की पूरी धुल गई है। हमने 50 रुपये खर्चा बच गया पागल, तो मेरे को सुबह से उठ के धोनी पड़ती। तो आप देख सकते हो कि गलियों में इस तरह से पानी भरा हुआ है, और ये देवेन यहाँ पे टाइम पास करते हुए। बादल बरसा दीजूंगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, अभी तो कुछ नहीं है, आगे दिखाएंगे। आगे तो वहाँ तक का जाएगा पागल है क्या, वहाँ तक चलेंगे थोड़ी दूर तक, अंदर तक आगे थोड़ी जाऊँगा। मजाक मजाक में आ तो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पानी देखो, और ये लेवल तो कुछ नहीं गाइस, आगे देखोगे तो ज़्यादा रहेगा। बहुत सारा पानी गिरे पागल है, क्या करेगा तू, तो चलो ना रिटर्न। तो रिपोर्टर एस जे लाइव विद कैमरामैन देवेन, और काफी हमने शहर भ्रमण कर लिया, बहुत भटक लिया, आप लोगों को दिखा भी दिया कि हमारे शहर की क्या हालत है। अब हमको लगता है, अब हमको लगता है कि हमको चले जाना चाहिए घर। तो घमासान बारिश के बाद मैं भी कहाँ दिख रहा हूँ भैया, लाइट है होगी, देखिए। तो पहले फटाफट चेंज करता हूँ, फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और लाइट का इसको अपन ने चेंज कर लिया है, और भाई मज़ा आ गया मेरे हाथ को। हाँ देखो हरकतें करके मैं डाल दूंगा वीडियो ना। तो चेंज कर लिया है फटाफट, ले भाई जीतें। ओ भाई कोई बात नहीं थी अपने सर, ऐसा क्या कर रहे हो यार। हाँ तो भाई साहब ऐसा है कि अभी अपन ने अपना बाइक का रिव्यू का वीडियो नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे टाइम मिलेगा तो अपन वो भी कर लेंगे। लेकिन यार मैंने 20 दिन में ही मतलब 1000 पार कर दी गाड़ी। ठीक है ठीक है, मैं ऐसे भी दिख रहा हूँ पागल, मैं ऐसे भी दिख रहा हूँ, देख पास मत कर। ऐसा है कि अपन बनाएंगे रिव्यू वीडियो, थोड़ा मौसम और मेरे को सही समय मिल जाए तो रिव्यू वीडियो बनाएंगे अपन अपनी बाइक का। ये धोखेबाज आदमी आ गया है, चाय बनाने को इसको बोला था और चाय घर मम्मी से बनवा के ला रहा है। लाइट है नहीं यार, एक तो चलो चाय पीते हैं। तो आज मैं टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करने वाला हूँ मेरी बाइक का, जैसे मेरे बाइक में चार्जिंग केबल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग केबल है, और अभी यहाँ पर लाइट है नहीं, तो अपन इमरजेंसी में इसी पे चार्ज करेंगे। सो ये केबल लगेगी यहाँ पर, और ये मैंने केबल को फिट कर दिया इसमें,
और अब हम अपने फ़ोन से भी इसको फिट कर देंगे। एक्चुअली अभी दिखेगा नहीं आप लोगों को, और जैसे मैं गाड़ी चालू करूँगा तो मेरा फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा। अभी तो अंधेरा दिख रहा होगा बट ये देखो दिख रहा है चार्जिंग दिखा रहा है। तो अभी अपने को यहीं बैठना पड़ेगा और फ़ोन को चार्ज करना होगा। फ़ोन चार्ज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मैं अभी एक काम कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो काम था वीडियो अपलोडिंग का। मेरी बाइक की डिलीवरी का वीडियो अपलोड कर रहा था और आज मौसम ख़राब है। तो दोस्तों फाइनली लाइट आ गई है, ये रही अपनी बाइक, और फटाफट फ़ोन चार्ज करता हूँ और वीडियो को भी अपलोड करता हूँ। और ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ आज का व्लॉग, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग चीज़ों के साथ। तो बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर व्लॉग।